ऑलराइट गाइस, मैं हूँ DIP में, दुबई इन्वेस्टमेंट पार्क 1, एंड मैं आपको कुछ यहाँ की सराउंडिंग दिखाऊंगा, यहाँ की लोकेलिटी एंड सोसाइटी, जो भी यहाँ पर फैसिलिटीज़ हैं। अभी मैं जा रहा हूँ बाहर, सो लेट्स सी। दोस्तों, यहाँ पर सभी हाउसेस को मकानी बोलते हैं, क्योंकि मकान जो है वो अरेबिक का वर्ड है जिसका मतलब होता है माई लोकेशन, और रेफर करते हैं हम मोस्टली अपने घरों को या हाउसेस, होम। आपने देखा होगा हम इंडिया में भी यूज़ करते हैं कि मकान नंबर, तो मकानी जो है वो मैस्कुलिन है, दिस इज़ वाई दे आर यूजिंग मकानी नंबर। हाउसेस का सीक्वेंस ही ऐसे मेंटेन कर रहे हैं, मेरा जैसे 3137 है तो मेरे ठीक सामने वाला 3138 है, एंड मेरे ठीक लेफ्ट वाला 3139 है। चलिए मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। दोस्तों, इस एरिया की एक ख़ास बात है, ये सिटी से अवे है, एंड ये NCR रीजन में पड़ता है, दुबई में। और ये जो एरिया है वो बहुत ही ज़्यादा ग्रीन है। यहाँ पर आप देखोगे कि रेगिस्तान में ये ग्रीनरी करना भी कोई आम बात नहीं है, इट्स अ चैलेंज। तो अगर आप देखोगे ये सारा एरिया ग्रीन है, एंड इसका नाम भी दुबई इन्वेस्टमेंट पार्क 1 है। दोस्तों, कोविड की वजह से अभी कोई स्विमिंग के लिए भी नहीं आ रहा है, ना कोई जिम के लिए आ रहा है, अभी ये खाली पड़ा हुआ है। यहाँ पर हर एक सराउंडिंग में आपको स्विमिंग पूल मिलेगा, जिम मिलेगा, एंड पार्क्स मिलेंगे बच्चों के, छोटे बड़े। तो हर 8-10 मकानी या विलास के बाद आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ पर एक स्विमिंग पूल है, वहाँ पर एक पार्क है, वहाँ पर जिम है। तो आपको हर चीज़ नियर बाय मिलेगी, आपको कहीं दूर जाना नहीं है। जो भी आपके नियर बाय जिम है या स्विमिंग पूल है या पार्क्स है बच्चों के, आप वहाँ उनको लेके जा सकते हैं। चलिए दोस्तों, एक स्विमिंग पूल का राउंड लेते हैं, एंड मैं आपको दिखाता हूँ सारी चीज़। ये जो आपको दूसरी साइड छोटा गेट दिख रहा है, ये दूसरी एंट्री है उधर के विलास के लोगों के लिए, वो लोग यहाँ से आ सकते हैं। जैसे ही ये राउंड हम लोग फिनिश करेंगे, मैं आपको मिलाऊंगा यहाँ के इंचार्ज से, जो स्विमिंग पूल एंड जिम की टेक केयर करता है, एंड ही इज़ अ ट्रेनर। अगर आप जिम करते हो तो ही इज़ ऑल्सो अ कोच, ही कैन हेल्प यू विद योर जिम एक्टिविटीज एंड एक्सरसाइजेज। एंड दिस इज़ अ प्लेस यू कैन टेक रेस्ट, आराम से बैठ सकते हो आप सुकून से यहाँ पर। एंड द नॉइज ऑफ बर्ड्स कैन मेक यू रियली पीसफुल एंड काम। आप देखेंगे कि नेचुरल ब्यूटी हमेशा आपको पॉजिटिव वाइब्स देती है। अब जैसे ही आप ये चिड़ियों की आवाज़ सुनेंगे, आप बहुत ही अच्छा फील करेंगे अंदर से। ऑलराइट, देयर इज अ गाय इन येलो टी शर्ट, लेट्स मीट हिम। यू कैन से हाय टू द कैमरा। Thank you. Yeah. What's your name? My name is Manzo Sisek. Okay. Yeah. And how long you have been here? I started working at January 1st. January 1st. Yeah. So you started in the new year then? Yeah, the new year. Okay. This is my new year and my new beginning year. Oh, all right. Yeah. We hope you will go to for long here. Yeah, by the grace of God. Yeah. We're gonna do that. That's why we are trying to do our best so that we can keep the pool more decent and lively, although like we are having some okay, that's great maintenance problem, but we do continue to do our complaints to the maintenance okay. team. Okay. Yeah. That's really good of you. Yeah, thank you. My name is Junaid Khan. Junaid. Yeah. Alright. Thanks. Nice to meet you. Yeah, welcome. Good. Bye. Yeah, bye. चलिए अब चलते हैं बाहर और देखते हैं क्या है आगे। ये जो पार्क है ये छोटा पार्क है, एक बड़ा भी पार्क है, मैं आपको लेके चलूँगा वहाँ पर। दोस्तों, इस सोसाइटी में ज़्यादातर आपको पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी मिलेंगे मोस्टली, और कुछ फॉरेनर्स भी हैं। इवन ये जो किड्स आप देख रहे हो ये पाकिस्तान से हैं, ये मेरी भांजी के दोस्त हैं। चलिए अब हम चलते हैं बड़े वाले पार्क की तरफ। मैं मेन स्ट्रीट से जा रहा हूँ ताकि मैं आपको यहाँ का रेजिडेंशियल एरिया भी दिखा पाऊँ,
एंड यहाँ के जो विलाज हैं सारे सेम विलाज हैं, और जैसे कि मैंने बताया सारी फैसिलिटीज़ आसपास के विलाज में सबके पास हैं। पार्क्स और प्लेग्राउंड्स, यहाँ पर गैराज, सारे एक जैसे हैं, बट डिपेंड करता है आपने उसे कैसे मेंटेन कर रखा है। बहुत मज़ा आता है अंदर साइकिलिंग करने में, मैंने काफ़ी साइकिलिंग की है अंदर, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। आप एंजॉय करोगे राइड को, एक नेचुरल आपको फील मिलता है एंड पीसफुल एनवायरनमेंट है, ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है इधर, बहुत ज़्यादा अच्छा फीलिंग आती है। आप सामने देख सकते हो बच्चे खेल रहे हैं, मैं आपको थोड़ा क्लोज व्यू दिखाता हूँ। दोस्तों यहाँ पर मोस्टली वर्किंग पेरेंट्स हैं, दोनों मियाँ बीबी काम करते हैं, एंड यहाँ पर आप जो भी बच्चे देखोगे वो ज़्यादातर मेट्स के साथ आते हैं कोई भी फिज़िकल एक्टिविटीज़ करने के लिए या खेलने के लिए। आपको देखोगे सारे किड्स के साथ आपको मेड मिलेगी 90%, ओनली 10% आपको दिखेगा यहाँ पर कोई पेरेंट्स आया हुआ है साथ में। चलिए सर्कल का एक राउंड लेते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ। आई गेस आगे जो है एक आर्टिफिशियल फाउंटेन है, वो मैं आपको दिखाता हूँ अभी। ओके, ये आ गया हमारा फाउंटेन, मैं आपको करीब से दिखाता हूँ सारी चीज़ें। ओके सो ये है फ्रंट व्यू एंड अ प्लेस टू सिट। अगर आप चाहते हो इस मोमेंट को एंजॉय करना, आप यहाँ पर बैठ सकते हैं एंड एंजॉय कर सकते हैं ये ब्यूटीफुल सीन। चलिए थोड़ी और करीब से देखते हैं फाउंटेन को। एंड ये बहुत ही अमेजिंग साउंड ऑफ वाटर। ये बहुत ही अच्छा व्यू है फाउंटेन का, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ राइट एंड लेफ्ट। आप देख सकते हैं अंडर वाटर भी। दोस्तों ये फाउंटेन इन्होंने राउंड अबाउट पे बना रखा है, जब भी कोई कार पास करती है यहाँ से सर्कल पे से तो बहुत एक अच्छा व्यू मिलता है यहाँ पर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ और चीज़ें भी। और ये हमारे सामने एक और पीस ऑफ आर्ट, एक और राउंड अबाउट एंड डेकोरेटेड विद फ्लावर्स एंड ट्रीज, स्पेशली पाम ट्रीज। आप देख सकते हैं इन्होंने डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लावर्स से इसको डेकोरेट कर रखा है। आप देख सकते हैं कैसे इन्होंने लाइटिंग अटैच कर रखी है सारे पाम ट्रीज पर, एंड हैंगिंग लाइट्स भी है देख सकते हैं स्टार शेप में। दोस्तों इसका नाइट व्यू जो होता है बहुत ही बढ़िया लगता है अगर आप नाइट में देखोगे इसे तो। चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं आपको लेके चलता हूँ जहाँ से एंट्री एंड एग्जिट करते हैं। चलिए थोड़ा और करीब से देखते हैं जाके। और ये है मेन हाईवे, आप देख सकते हैं यहाँ से गाड़ियाँ आ भी रही हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं बैक टू आवर होम। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक एंड शेयर कर देना, एंड ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपको पता है कि एक वीडियो बनाने में कितनी डेडिकेशन चाहिए और कितनी मेहनत लगती है, एंड आपको साथ ही साथ काफ़ी टाइम स्पेंड भी करना पड़ता है।
मेरा प्लान लॉन्ग टर्म का है आपको इंफॉर्मेटिव कंटेंट देने का, एंड जो भी आपकी क्वेरीज होगी, मेरे ट्रैवल लॉग्स होंगे, उसको सबको आंसर करने का एंड ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास इन्फॉर्मेशन पहुँचाने के लिए मैं एफर्ट कर रहा हूँ। बट ये सब तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे। मैं देखना चाहता हूँ कि आप लोग कितना इस वीडियो को लाइक करते हैं एंड शेयर करते हैं, एंड जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मेरी आने वाली वीडियोस जो होगी वो आपको मिल जाएगी। मैं अभी काफ़ी वीडियोस करने वाला हूँ आगे। इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। आपसे मिलेंगे जल्दी ही एक नए कंटेंट के साथ। फॉर द मोमेंट गुड बाय, सी यू एंड टेक केयर।